जोधपुर में 2 से 4 फरवरी के बीच होने वाली G20 के वर्किंग ग्रुप एम्प्लॉयमेंट बैठक को लेकर प्रतिनिधियों का जोधपुर आना शुरू हो गया है। आज सऊदी अरब के प्रतिनिधि यहां पहुंचे। इससे पहले श्रम मंत्रालय के सचिव आरती आहूजा जोधपुर पहुंची। श्रम मंत्रालय के ही संयुक्त सचिव रूपेश ठाकुर ने एयरपोर्ट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि बैठक में 20 देशों के अलावा 9 गैस देशों के प्रतिनिधि और 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। यह संख्या और बढ़ेगी। G20 की बैठक को लेकर जोधपुर में पावनों के सत्कार के लिए विभिन्न रंगारंग तैयारियां की गई है। इसमें हमने 3 थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें है कि जैसे सोशल प्रोटेक्शन देने के लिए किस तरह की फाइनेंसिंग आगे जाके करनी चाहिए। दूसरा है हमारा जो उभरता एक तबका है, गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के वर्कर्स, उनके लिए कैसे सोशल प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं। और तीसरा है कि स्किल्स किस तरह से पूरी दुनिया में किस तरह से स्किल्स को मैच कर सकते हैं, उसके लिए कैसे क्या हम कॉमन टर्मिनोलॉजी ला सकते हैं। तो इसको लेके 3 मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। एम्प्लॉयमेंट को लेके चर्चा है। टोटल जो G20 के जो मेंबर नेशंस होते हैं, तो इसमें तो 20 हैं, बाकी 9 गेस्ट कंट्रीज हैं और 9 इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। 2-3-4 को EWG एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का G20 की समिट है जोधपुर में। आज तक अभी G20 की समिट नहीं हुई, फर्स्ट टाइम है, तो आपने देखा ही है जोधपुर किस तरह से सजा हुआ है। और उसमें ना सिर्फ प्रशासनिक, बट मैं आपके माध्यम से जोधपुर के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और संगठन है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ कर सबने सहयोग करा। आज सऊदी अरब से और इंडिया का जो डेलीगेशन है वो जोधपुर में आज हमने रिसीव कर लिया उनको, और अब ये सिलसिला चलता रहेगा।